प्रयागराज में जनअधिकार पार्टी एवं भागीदारी मोर्चा 258 विधानसभा प्रत्याशी गुलाब चंद कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें, हंडिया 258 विधानसभा जनअधिकार पार्टी के प्रत्याशी गुलाब चंद कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हंडिया विधानसभा की जनता ने अगर हमें आशीर्वाद दिया और हंडिया विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा लखनऊ भेजा तो हम हंडिया में चौतरफा विकास करेंगे और हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य हंडिया विधानसभा में हॉस्पिटल, शिक्षा, बेरोजगारों को रोजगार देने की प्राथमिकता होगी। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड MIMIM ने कहा कि जिस प्रकार से अन्य पार्टियां मुस्लिम समुदाय को अपना बता रहे हैं और बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय हमारे पास है और हमारे साथ है, तो आने वाले 27 फरवरी को मुस्लिम समाज साफ कर देगा कि किसके साथ है। इस मौके पर सिस्टम मोड़ जिला उपाध्यक्ष जनअधिकार पार्टी भानु प्रताप कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष माँ को जालम इकलाब अहमद आदि लोग मौजूद रहे। पार्टी के और आपके पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया है, 2022 विधानसभा कितना सफलता को मिलेगा आपको? जी, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हड़िया में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गुलाब कुशवाहा जैसे गरीब आदमी को जनअधिकार पार्टी और AIMI के संयुक्त प्रत्याशी घोषित किए हुए हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ हड़िया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि माननीय गुलाब सिंह कुशवाहा जी को आने वाले समय में 27 तारीख को गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह के निशान पे बटन दबा के यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाए। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो यह भाईचारा बना हुआ है आज हड़िया विधानसभा में, इसको मजबूत करें और आने वाले समय में जो है हड़िया के सभी ग्रामवासियों से यह निवेदन करूँगा कि वो लोग जो है माननीय गुलाब चंद कुशवाहा जी को गैस सिलेंडर के निशान पर बटन दबा के और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि पार्टी का जो विजन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम लोगों की पार्टी यह कह रही है, चाहे माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, इन लोगों का यही विचार है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी लोगों को दिया जाएगा, सभी लोगों के हक की यह लड़ाई है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा हड़िया क्षेत्रवासियों से, इस बार जो है सब लोगों, बार बार आप लोगों ने देखा, इस बार जन अधिकार पार्टी AIM या और पार्टियों के द्वारा जो गठबंधन किया गया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं, अभी तक हमारे लोगों में ये नहीं पता था कि हमारी पार्टी जो है यहाँ से अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी बाबूजी कुशवाहा साहब से जो है गठबंधन करके अपने एक कैंडिडेट यहाँ पे उतारी है, और जो है हम अपने मुस्लिम भाई की वोट और अपने जो है पिछड़े समाज की वोट लेकर जो है समाज में निकलेंगे, और जो है हमको जहाँ जाते हैं हमको अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलता है, लोग जो हमको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और लोग हमारे साथ खड़े हैं, और जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि 10 तारीख को हमारे गुलाब भाई को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जिताकर भेज दिया जाएगा। मुस्लिम समाज के वोट के लिए अन्य पार्टियाँ दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज मेरे साथ है, जी उसके बारे में क्या कहना है? भाई, दावा करना और काम करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। ऐसे तो हमारे पिछले विधायक भी बड़ा दावा किए थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जिताने के बाद 5 साल कहीं नज़र नहीं आए। उससे पहले भी बहुत से लोग ने दावा किया लेकिन कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन हमारे पार्टी के जो लोग दावा करते हैं वो करके दिखाते हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, बिहार में हमारे 5 विधायक हैं, 5 विधायक जो है सब पे जो है एकदम हावी हैं और पूरा काम कर रहे हैं, पूरा जो है क्या बोलते हैं पढ़ाई का, शिक्षा का काम करके दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल बना के दिखा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब ऐसी हॉस्पिटल खोला जा रहा है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है लोगों को। तो हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं, हम लोग जो वादा करते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और जो है जो किया है उसको करके दिखाया भी है। तो क्या हंडिया में भी ऐसी सुविधा किया जाएगा जितने बार? जी बिल्कुल किया जाएगा। हंडिया के मूलभूत 5 समस्या ऐसी है जो जनता के लिए बहुत जरूरी है। जी, चिकित्सा की व्यवस्था, सड़क, उत्तर प्रदेश सरकार सड़क गड्ढा में बात करती है, जी इसके बारे में क्या कहना है? जी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है करती है, यहाँ के विधायक जी की कमी है। विधायक लोगों ने, जनता ने विधायक बनाया तो विधायक को चाहिए था कि गांव-गांव चाहना चाहिए था, उनको टहलना चाहिए था, टहल के देखना चाहिए था कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली है, कहाँ रोड खराब है, कहाँ लोग मर रहे हैं, कहाँ लोग जो है बीमार हैं, ये उनकी कमी है। अगर आज आपके विधायक सही होते हैं और आपके विधायक जो है इस बात को ऊपर तक पहुँचाते हैं तो ज़रूर ऊपर से निर्णय लिया जाता।
तो हम लोग अगर विधायक आप हमको बनाते हैं, हमारे विधायक जी इस चीज़ को रखेंगे ऊपर, और जब ऊपर रखा जाएगा तो जाहिर सी बात ऊपर से जो है हमको जो है काम कराया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम उमर खान, हंडिया विधानसभा यूथ अध्यक्ष, AIMIM, हंडिया कार्यालय प्रभारी। अन्य पार्टी उसके बारे में क्या कहना आपका? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय बाबूजी कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के, और हमारे AIMIM के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी, और हमारे राम धनीबिंद जी और रामकरण कश्यप जी, इन लोगों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हम जैसे एक छोटे आदमी को उसका भी समझा और हमें नेतृत्व करने का अवसर दिया। अगर आपको हंडिया से जनता विधायक बना के भेजेगी तो क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव का? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दा चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा है कि देखिए, ये हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और ये तमाम तंत्र जो हैं सरकार ने भ्रष्ट कर दिया है। हर एक चीज़ खुला है, शिक्षा के लिए कोरोना है और स्वास्थ्य के लिए कोरोना है, और हर जगह मेला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसके लिए कोरोना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से कहना चाहते हैं कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष कर देखा जाए तो आपके समाज की वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक है और मुस्लिम समाज भी आपके साथ में है, तो क्या कितना सफलता मिलेगा 2022 विधानसभा चुनाव में? हमारे यहाँ हम लोग 2022 चुनाव में हम लोग 220 का प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ मुस्लिम समाज भी जुटा हुआ है और हमारा भी समाज जुटा हुआ है, और भी समाज जुटे हुए हैं, जैसे लोहार हैं, कुहार हैं, छोटी छोटी जातियाँ सब जुटी हुई हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं खुदा जन अधिकार पार्टी की तरफ से। TVN इंडिया न्यूज़ के लिए प्रयागराज से कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट।